और अब बात करते हैं बंगाल के घमासान को लेकर। पांचवें फेज में बंपर वोटिंग के क्या है मायने, दीदी को किसने दिया पूर्व सीएम का सर्टिफिकेट, अमित शाह का नया दावा क्या कुछ है और ममता बनर्जी अब आखिर के तीन चरणों में कौन सा दांव चलने वाली है। बंगाल इलेक्शन जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं टॉप नाइन बंगयुद्ध में। बंगाल में पांचवें चरण में शाम 6 बजे तक करीब 80% मतदान हुआ। 6 जिलों के 45 सीटों पर हुई वोटिंग के दौरान कई इलाकों में हिंसा हुई। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगाए। आज पीएम मोदी ने आसनसोल और गंगारामपुर में रैलियों को संबोधित किया। आसनसोल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और कहा कि दीदी खुद को संविधान से ऊपर मानती है। उन्होंने दीदी को विकास के हर मार्ग में दीवार बताया। आसनसोल की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बंगाल के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना पर हुई बैठकों में दीदी नहीं आई, मगंगा की सफाई वाली बैठकों में भी दीदी गायब थी। ऐसे में उन्हें अब भूतपूर्व सीएम का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आज गंगारामपुर की रैली में पीएम मोदी ने दीदी की एक एक गाली गिनवाई और कहा कि दीदी की कड़वाहट के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बंगाल में आज अमित शाह ने कई रैलियां और रोड शो किए। नॉर्थ 24 परगना में भी अमित शाह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और दावा किया कि घुसपैठ ये युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं। टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक पाएंगे। ममता बनर्जी ने आज कटवा पर्वास्थली और गलसी में चुनावी रैलियां की। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार फ्री में चावल देती है मगर उसे पकाने के लिए 1000 रुपए का सिलेंडर लगता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल एलपीजी महंगी करने का आरोप लगाया। उत्तर बर्धमान विधानसभा और सराय टीकर क्षेत्र में बूथ नंबर 72 और शांतिपारा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। पश्चिम बंगाल की शांतिपुरा विधानसभा में टीएमसी कार्यकर्ताओं की आपसी कलह के चलते हुए झगड़े में टीएमसी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। अस्पताल में कार्यकर्ता की हालत गंभीर बनी हुई है। नॉर्थ 24 परगना की कमरहाटी से चुनाव लड़ रहे मंत्री मदन मित्रा की चुनाव अधिकारियों से तीखी झड़प हुई। मदन मित्रा अपने पोलिंग बूथ पहुंचे थे। जब वो वोटिंग रूम में घुसे तो चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों तरफ से तीखी बहस हुई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।